फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल फिल्मी बॉक्स ऑफिस पर। तो बात करेंगे एक बार फिर से हाल फिलहाल रिलीज हुई जॉनी ब्राइम स्टारर एक्शन पेक्ड बॉलीवुड की एक और नई फिल्म। क्योंकि एक्शन के साथ साथ साइफाई फिल्म भी है और ये कोई रीमेक नहीं है, ये एक ओरिजिनल फिल्म है। तो मैं सही कहूँगा आपसे, आपको देखनी चाहिए। फिल्म काफ़ी अच्छी है और फुल पैसा वसूल बताई जा रही है। वो बात अलग है, फिल्म तक ऑडियंस नहीं पहुँच पा रही है किसी भी कीमत पर। फिल्म बहुत बढ़िया है और वास्तव में जो उसकी स्टोरी है वो काफ़ी जेन्युइन है। जी हाँ, आपको देखनी चाहिए। लीडिंग में नज़र आ रहे हैं जॉनी इब्राहिम, रघुप्रीत सिंह और जैकलिन फर्नांडिस। फिल्म काफ़ी बढ़िया है, जिसमें कि आपको पहला सुपर सोल्जर नज़र आएगा इंडिया का, यानी कि आप कह सकते हो बॉलीवुड का, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। चलिए गाइस, जानते हैं अब ऐसे में कि फिल्म हिट हुई या फिर फ्लॉप, कितना कलेक्शन कर लिया है फिल्म ने बीते कुछ 5 दिनों के अंदर अंदर। और आज से छठा दिन चल रहा है और क्या ऑक्यूपेंसी निकल के आ रही है छठे दिन की, चलिए जानते हैं। सबसे पहले आपको बता दूँ, जो फिल्म है ना अटैक, एक साइफाई फिल्म है जिसे कि डायरेक्शन दिया है लक्ष्यराज आनंद ने, और जो उसको रिस्पांस मिलना चाहिए था एक्चुअल में वो रिस्पांस नहीं मिल पा रहा है। इतना कलेक्शन ही कर नहीं पा रही है किसी भी कीमत पर। जहाँ पर इसका बजट है 70 करोड़ रुपये, 70 से 80 करोड़ रुपये, तो इसे 100 करोड़ कमाने होंगे एटलीस्ट, अगर हिट का बजट भी इसे हासिल करना है तो। लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि फिल्म हाफ ऑफ द बजट भी रिकवर कर पाएगी। अगर कलेक्शन की बात आती है तो कल इसका जो हमारा प्रेडिक्शन था वो था तकरीबन 1 करोड़ 30 लाख रुपए के आसपास इंडिया नेट से। लेकिन इस फिल्म ने कल काफ़ी अच्छा होल्ड बनाया और कमाई 1 करोड़ के आसपास इंडिया नेट से, जो कि एक काबिल तारीफ कलेक्शन था। जहाँ पर इसका कलेक्शन कल का पहुँच चुका था 2.5 करोड़ प्लस, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और आज यानी कि अपने छठे दिन का जो कलेक्शन आ रहा है फिल्म का, वो आ रहा है तकरीबन 1 करोड़ 30 लाख के आसपास इंडिया नेट से प्रेडिक्शन के तौर पर। और इसी के साथ जो कलेक्शन हो चुका है फिल्म का, अभी तक पहुंच चुका है इंटरनेट से तकरीबन 15.5 करोड़ प्लस। और वहीं पर आप कह सकते हो इस फिल्म का इंटरनेट बोले तो इंडिया ग्रॉस से जो कलेक्शन हो चुका है 6 दिनों के अंदर अंदर, ज़्यादा भी नहीं तो वो पहुंच चुका है कम से कम 20 करोड़ प्लस। और वहीं इसका वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस से कलेक्शन हो चुका है तकरीबन 25 करोड़ के आसपास। यानी इस फिल्म ने अभी यार ये कह सकते हो 40% बजट मुश्किल से रिकवर किया है। जी हाँ।